हर साल 10 सितंबर को दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद है आत्महत्या के आंकड़ों में कमी लाना और लोगों को जागरूक करना। भारत में हाल ही के दिनों में कोरोना संकट की वजह से आत्महत्या के मामलों में तेजी आई है। अजमेर के मनोचिकित्सक और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चरण सिंह जिलोवा के मुताबिक इसके तीन कारण हैं, जिनमें पहला आर्थिक तंगी, दूसरा कोरोना का डर और तीसरा अकेलापन। दौरान एक रिसर्च में ये पाया गया कि आत्महत्या के तीन मुख्य कारण नजर आ रहे हैं। पहला कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, इकोनॉमिकली लोग वीक हो रहे हैं, अपने ईएमआईज नहीं पे कर पा रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण है कोरोना वायरस इन्फेक्शन का डर, ये डर लगना कि अगर ये इन्फेक्शन उनको या उनके किसी परिवार के सदस्य को हो गया तो क्या होगा। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है अगर हम सारी सावधानियां, सारी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के जो हैं उनको फॉलो करें तो इन्फेक्शन से बच सकते हैं। डरने से आपकी इम्यूनिटी और कम होगी, इन्फेक्शन की संभावना बढ़ेगी, डरें नहीं, सावधानियां रखें। तीसरा जो कारण है वो है अकेलापन। लॉकडाउन की वजह से लोग सोशली आइसोलेट हो गए, लोगों से कम मिल रहे हैं, तो जब भी आप आइसोलेट होते हैं या फिर अकेलापन महसूस करते हैं लंबे समय तक, तो बहुत सारे शारीरिक और मानसिक समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपकी नींद कम हो जाना या बिल्कुल नींद नहीं आना, या फिर उदासी रहना, चिंता बढ़ जाना, यानी कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाना। हर साल विश्व में 8 लाख, देश में 2 से 3 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, यानी हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति खुदकुशी करता है। डॉक्टर जिलोवा के मुताबिक यदि समय रहते सावधानी बरती जाए तो आत्महत्या के आंकड़ों में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। घर में किसी भी परिचित को नींद नहीं आना, उदासी, चिंता, भूलने की बीमारी या डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखें तो उनका विशेष ध्यान रखें और उन्हें किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं। साथ ही उनके साथ समय बिताएं जिससे वो खुद को अकेला महसूस करके आत्महत्या की ओर खुद को नहीं धकेले। इस दौरान अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर या अन्य सदस्यों में ये सिम्टम्स हैं, नींद का कम होना, उदासी, थकान और जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट था उन चीज़ों में इंटरेस्ट का कम होना अगर आदि सिम्टम्स हैं, तो ये डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि जितने लोग आत्महत्या करते हैं उनमें से 80% से ज़्यादा को केवल डिप्रेशन नाम की बीमारी होती है। तो अगर हम डिप्रेशन को सही समय पर पहचान लें और उसका इलाज ले लें तो हम आत्महत्या के नंबर को काफ़ी कम कर सकते हैं। राजस्थान में हाल ही के दिनों में काम के दबाव, डिप्रेशन और बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने वालों की संख्या काफी बड़ी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैसी भी परिस्थिति हो उसका सामना करें और खुद को खत्म करने से बचें, साथ ही मनोचिकित्सक से परामर्श अवश्य लें।